जब ये मूवी आई थी तब मैंने इसे मिस कर दिया था, बट अंदर से मैं इसे देखना चाहता था क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैं बात कर रहा हूँ ये साली आशिकी जो अभी रिलीज़, मतलब जिसको दिखाया जा रहा है G5 के ऊपर, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। जिसे डायरेक्ट किया है एचरा ग्रुप पिरेल ने, देखो ये प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग हो सकती है। जिसके अंदर कास्ट है वरदान, पुरी, शिवालिका, ओबरॉय। अब कहानी की बात करें तो कहानी ऐसी है कि एक लड़की है जिसका नाम है मिती, जिसे प्ले किया है शिवालिका ओबरॉय ने। तो मिती जो है वो पैसों से बहुत प्यार करती है और लड़कों का यूज़ करती है वो पैसे कमाने के लिए। तो वो हर लड़के को धोखा देती है पैसों के लिए, फिर उन्हें छोड़ देती है, किसी दूसरे को पकड़ लेती है जो उसके क्राइटेरिया में फिट होता चलता है। तो उन्हीं लड़कों में से एक होता है साहिल, जो इससे प्यार में धोखा खाया हुआ होता है। तो वो अपना बदला लेता है इस लड़की से, मिती से। अब ये मत बोलना कि हर लड़की ऐसा नहीं होती, लड़के भी तो धोखा देते हैं। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लड़की ऐसा होती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर लड़की ही सच्ची होती है, वो भी तो धोखा देती है। और सच में ये मूवी देखते वक्त मुझे मेरी क्लासमेट की याद आ गई थी, जिसने अपने फायदे के लिए लड़कों का यूज़ किया था और इवन शादी भी उसने ऐसे लड़के से की थी जिसमें वो जिसका वो क्राइटेरिया उसका फिट हो रहा था। अब मैं यहाँ नाम नहीं बता सकता, अगर नाम पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, कि व्यूवर्स के लिए तो कुछ जाना नहीं लेकिन मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इन जैसी लड़कियां बहुत अच्छे से प्यार का यूज़ करना जानती हैं, इनका लिए प्यार का तो वैसे कोई मतलब होता नहीं है, ये लड़कों का बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं अपने फायदे के लिए। इस मूवी का एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया, इसमें जिसमें कहते हैं कि सब कहते हैं कि इस देश में महिला जो है वो सेफ नहीं है, यहाँ मर्द भी कुछ ज़्यादा सेफ नहीं है। अब ये मत सोचने बैठना कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा है तो मुझे ये मूवी पसंद आई है, नहीं, मैंने बट ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को देखा है जिनका दिल टूटा, लड़कियों ने तोड़ के मतलब ऐसा बुरा हाल कर दिया था, रोते रहे वो। अब क्या बताऊँ उनकी कंडीशन के बारे में, मतलब मैंने ऐसी देखा है, ऐसे हालात लड़कों के देखा है। तो मुझे ये मूवी वैसे बहुत पसंद आई, मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मूवी के गाने मुझे इतने पसंद नहीं आए, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अभी फ़िलहाल जिसके पास खाली टाइम है, फुर्सत में बैठे हैं, तो इस मूवी को अपना टाइम दे सकते हैं, ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी, काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर स्टार की बात करें इस मूवी को तो मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 star। मूवी का मुझे सचमुच में ये मूवी जब आप देखोगे तो आपको खुद अच्छी लगेगी। मैं ये किसी चीज़ को ह्यूमिलिएट या मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन को ये एक पीछे धकेल रही है या फिर वुमेन का अपमान कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट है, हर तरह के लोग समाज में होते हैं, बस इस बार लड़कों पे हुए अत्याचार को इस मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। और ऐसा कुछ इस मूवी में आपत्तिजनक नहीं है कि लगे कि हाँ बाकायदा एक अपने जस्टिस के लिए वो लड़का लड़ रहा है और उसको मिलता भी है, कोई ऐसे नहीं बकायदा कानून के तरीके से ही मिल रहा होता है, वो उसने फंसाया हुआ होता है। खैर मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, अगर जिसने नहीं देखी और जिसने देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि उन्हें वो कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।